साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज चैनल पर। दोस्तों हमारी बात सारी है संस्कृत व्याकरण में कारक। और दोस्तों कारक से पहले हमने संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक थे उच्चारण स्थान वर्ण विचार संधि समास शब्द रूप धातु रूप इन सभी की बात आराम से कर ली है और हम कर्ता कारक और कर्म कारक की भी बात कर चुके हैं। पीछे के सभी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ से पीछे की वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों यहाँ पे आपको 15-20-25 मिनट का वीडियो मिलेगा और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा उदाहरण देखकर उनको समझने की कोशिश करना, उनको हल करने की कोशिश करना अपनी बुक में, तभी आप समझ पाएंगे और परीक्षा में तभी सही हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कर्ण कारक। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, शुरू करें हैं कर्ण कारक। हमने बात की थी शब्द रूप। शब्द रूप जैसे ही हमने पढ़ा था सभी को याद है और आराम से हमने पढ़ाया भी था शब्द रूप क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्या किस प्रकार से याद करें शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में जो तृतीय विभक्ति थी, तृतीय विभक्ति के सामने जो एक वचन द्विवचन और बहुवचन थे रामेण रामाभ्याम रामई, वो तीनों रूप कर्ण कारक के अंतर्गत आते हैं। शब्द रूप जितने भी हैं, राम शब्द हो, लता शब्द हो, फल शब्द हो, जितने भी अकरण तिकरण जितने भी, जिसमें तृतीय व्यक्ति के सामने जो रूप होते हैं उन सभी में कौन से होता है, कर्ण कारक होता है। और दोस्तों आज तक अगर आपके कारक समझ में नहीं आए हैं, संस्कृत व्याकरण समझ में नहीं आई है, तो यहाँ पर एकदम सरल तरीका आपको बताया जाता है और दोस्तों चाहे फर्स्ट बार संस्कृत पढ़ रहे हो उनको भी आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो तृतीय व्यक्ति जितने भी रूप हैं वो किस में है, कर्ण कारक में। अब कर्ण कहते किसे हैं, कर्ण का मतलब हम इसे कह सकते हैं एक साधन, एक शब्द में अगर परिभाषा करें तो उसको क्या कहते हैं, साधन में। अब साधन कैसे, कोई भी क्रिया संपादित, कोई भी काम हो रहा हो, कोई कर्ता, कोई आदमी, कोई पुरुष, कोई मनुष्य, कोई जानवर, जो भी हो, कोई कार्य कर रहा हो या कोई कार्य हो रहा हो, वो कार्य होने में या कार्य करने में जिस साधन की सहायता ली जाती है, कार्य संपादित होने में जो साधन उपयोग में लिया जाता है, जिस साधन से कार्य किया जाता है, जिस साधन से क्रिया संपादित की जाती है, वह साधन ही क्या होता है, कर्ण कारक कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जैसे ये कलम है, इस कलम से मैं लिख रहा हूं, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देखिए कर्ता कौन है, मैं, क्रिया क्या है, लिखता हूं। ठीक है, अब साधन क्या है, किससे लिख रहा हूं, कर्ण हमने पढ़ा था जो कारक चिन्ह थे, से राम ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, तो ये दो शब्द कलम से लिख रहा हूँ या कलम के द्वारा लिख रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो था ये तृतीय व्यक्ति हो गई और इसमें कारक कौन सा हो गया, कर्ण कारक हो गया। इस साधन में, साधन क्या है क्रिया में, कलम है। बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक बहुवचन, बालक कंदुकेन, गेंद एक है और उसे खेल रहे हैं, फुटबॉल है, गेंद है, जो भी है, गेंद से खेलते हैं, यहाँ पे बहुवचन, क्रीडति क्रीडत है क्रीडन्ति। ठीक है, तो बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो खेलने का काम जो है, काम क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या है, खेलना, लेकिन किससे खेल रहे हैं, कंदुकेन गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे साधन क्या हो गया, कंदुकेन हो गया और उसमें क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, रामेण रामाभ्याम रामई, तो कंदुकेन। ठीक है, इस प्रकार से आपको करने हैं। अब दोस्तों परीक्षा में ज़्यादा संभावनाएं कहाँ से बनती है, हमारे रीट के अंदर विशेष रूप से 3 या 4 टॉपिक छोटे छोटे हैं, वो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। संभावनाएं ज़्यादातर पीछे के पेपर उठा के देख लेना, वहीं से प्रश्न बने हुए हैं। और हम कर्ण कारक तृतीय विभक्ति के प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो भी हम देखते हैं कि विशेष प्रश्न बनने की संभावनाएं कहाँ से रहती है, तो विशेष नियम विशेष सूत्र है उनके माध्यम से हम देखते हैं। वो देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक इसी में और देख लेते हैं कि कर्मवाच्य एक तो होता है, हम वाच्य पढ़ेंगे आगे, कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो कर्ता हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य का कर्ता और भाववाच्य का जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति और कर्ण कारक होता है। कैसे, अब कर्मवाच्य का कर्ता कैसे होता है कि राम
के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। आपको परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे थे कि कर्ता जो कर्तिकारक है उस कर्तृवाच्य है उसको भाववाच्य में या कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए कि राम पाठ पढ़ता है, ठीक है। तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, इसका संस्कृत में क्या होगा, रामेण पाठ है पठ्यते। बात यह थी राम है पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता, ये तो है कर्तृवाच्य में, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ ही अब इसको बोल दिए कर्मवाच्य में कैसे होगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये राम है पाठम पठति, ये तो कर्तृवाच्य का है। अब इसको कर्मवाच्य जब बनेंगे तो इस प्रकार से बनेगा रामेण, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, यहाँ पे प्रथम हो, यहाँ पे द्वितीय थी, ठीक है, यहाँ पे प्रथम हो जाएगी पाठ है और पठति का हो जाएगा रूप पठ्यते, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाने हैं कि रामेण यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है कर्मवाच्य के कर्ता में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके वाच्य में भी काम आएगा और कारक के कर्ण कारक में यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। कर्ण कारक में अगला टॉपिक हम देख लेते हैं जहाँ से परीक्षा में ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है, छोटे छोटे टॉपिक है तीन, वहाँ से संभावनाएं ज़्यादा बनती है प्रश्न बनने की, वो आपको देखना है। पहला हम लेते हैं, हमारा पहला सूत्र आपको सूत्रों में नहीं पढ़ना है, अगर सीधे सीधे याद रखना चाहिए तो भी आप याद रख सकते हैं, सहयुक्ति अप्रधान है। सहयुक्ति अप्रधान का मतलब क्या होता है कि सह के योग में, सह का मतलब क्या होता है साथ। अब सह के संस्कृत में जितने भी पर्यायवाची हैं, सह साकम, साकम का मतलब क्या होता है साथ में, सार्धम इसका मतलब भी साथ में, और समम, सह साकम सार्धम समम, तो ठीक है, सह का मतलब भी साथ होता है, ठीक है, और साकम का मतलब भी साथ, सार्धम का मतलब भी साथ, और समम का मतलब भी साथ। इनमें से कोई भी शब्द आए तो जिसके साथ होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है और कर्ण कारक होता है। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए, राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए, तो किसके साथ जा रहे हैं, राम के साथ वन में जा रहे हैं, तो दोस्तों राम में तृतीय विभक्ति हो जाएगी और कर्ण कारक हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखना, रामेण सह सीता लक्ष्मण है च अपि वनम अगच्छताम, ठीक है, तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए या वन में गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सह आ गया, इसकी जगह साथ साकम सार्धम सम कोई भी आ सकता है, लेकिन जिसके साथ जाते हैं, यहाँ पे किसके साथ जाते हैं, राम के साथ जाते हैं, इस राम में तृतीय व्यक्ति और कर्ण कारक हो जाएगा। पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ आया, तो इसका देख लेते हैं, तो पुत्रेण इसमें क्या हो जाएगा, किसके साथ आ रहा है, पुत्र के साथ आ रहा है, तो पुत्र में हो जाएगी तृतीय, पुत्रेण सह आगत है पिता, पुत्र के साथ पिता आया, ठीक है, या पुत्र के साथ पिता आता है, तो इस प्रकार से जिसके साथ आता है वहाँ तृतीय विभक्ति हो जाती है। दोस्तों आप मैं जितने भी बता रहा हूँ उस टॉपिक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखने हैं, अब से जितने भी आपके जो भी आपके पास किताब है उनमें कर्ण कारक के जितने भी उदाहरण हैं वो यहाँ पर आपको हल करने हैं। जैसे ही आप हल करेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा, तभी आपको याद रहेगा कि सह साकम सार्धम समम जहाँ पर होता है जिस वाक्य में और जिसके साथ जहाँ पर किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है और कर्ण कारक तृतीय विभक्ति में होता ही है। अगला जो छोटा सा बिंदु है कर्ण कारक का विशेष टॉपिक है और दोस्तों ज़्यादा प्रश्न पीछे की जितनी परीक्षाएं हैं पूछा गया है तो कर्ण कारक में यहीं से पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो रीट का लेवल है उसके आधार पर जो मैं बता रहा हूं उससे शायद ही डीपली जाए, ठीक है, तो नॉर्मल जो लेवल है रीट का उसके आधार पर मैं पूरा बता रहा हूं जितना उसके, उसके बाद आपको जैसे जैसे उदाहरण देखना है, उदाहरण के साथ साथ आप देखते हैं आप किसी भी टॉपिक में आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे आप देख लेते हैं अगला है येनांग विकार है, येनांग विकार है जिस अंग से विकार हो, जिस अंग से शरीर में, शरीर के कोई भी अंग हो और उसमें विकार, उसमें कोई गड़बड़ हो, वो काम नहीं कर रहा हो, तो जिस अंग से विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। येन अंग, जिस अंग से विकार होता है, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो देखते हैं कान है, मतलब एक आंख से कान है, ठीक है, तो एक आंख जहां पे होती है वहां पे होगा एक वचन, ठीक है, तो नेत्रेण, यहां पे क्या होगा,
नेत्रेण कान है या अक्षणा आंख से, तो अक्षणा भी लिख सकते हैं, नेत्रेण या अक्षणा कान है, ये भी आ सकता है। तो आपको ये खाली स्थान मिल सकता है परीक्षा में, और अभिसद में दे सकते हैं इसकी विभक्तियां, द्वितीय में दे सकते हैं, चतुर्थी पंचमी अलग अलग, तो आपको तृतीय विभक्ति नेत्रेण या अक्षणा करना है, ठीक है। बधिर है, बधिर का मतलब होता है बहरा, मतलब जिसको सुनाई नहीं दे, तो बहरा किन से होगा, कानों से बहरा होगा, और कान कितने हैं, दो हैं, ठीक है, जिसको सुने, तो दो है, इसका मतलब बधिर हो गया, और दो है तो द्विवचन में लिखना है, हो जाएगा कर्णाभ्याम रामाभ्याम, तो द्विवचन में कर्ण का क्या होगा, कर्णाभ्याम, ठीक है, इसका द्विवचन हो गया कर्णाभ्याम बधिर, ठीक है। आगे है खलवाट, मतलब गंजा, तो इसका हो जाएगा शीरसा, सिर में तृतीय भक्ति क्या हो जाएगी, शीरसा खलवाट है, सिर से गंजा है, ठीक है। लुंजय मतलब लूला, हाथ जिसके नहीं है, हाथ काम नहीं कर रहा है, तो लूला, तो हस्तेन लुंजय है, हाथ से, तो जिस अंग में होता है, देखिए नेत्रेण हस्तेन कर्णाभ्याम शीरसा, इन सभी में जिस उसी अंग में तृतीय भक्ति होगी। कुब्जय तो पृष्ठेन मतलब पीठ से, पीठ से कुबड़ा है, ठीक है, जो पीठ से कुबड़ा के चलता है, नीचे होकर चलता है, वह होती है तृतीय व्यक्ति, तो पीठ में हो जाएगी तृतीय व्यक्ति पृष्ठेन कुब्जे। इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिस अंग से होता है वहाँ पर तृतीय व्यक्ति होती है। दोस्तों अब ध्यान देना, मैंने आपके सामने दो उदाहरण लिखे हैं अलग अलग, सेम से उदाहरण है लेकिन दोनों में अलग अलग व्यक्तियाँ प्रयुक्त हुई है, देखना कैसे। सूत्र है अपवर्गीय तृतीय, अपवर्गीय तृतीय आपने कहीं बुक से पढ़ा भी होगा। अपवर्गीय का मतलब क्या होता है, फल की प्राप्ति होना, फल की प्राप्ति है जहाँ पे होती है वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। अब कहाँ पे फल की प्राप्ति, किसी कालवाचक या मार्गवाचक जो शब्द हैं और उसमें अत्यंत संयोग हो जाता है कई दिनों से, मतलब कालवाचक का मतलब हुआ कई दिनों से ये कार्य करने के बाद उसको ये फल की प्राप्ति हुई, या कई दूर चलने के बाद, मार्गवाचक का मतलब हुआ कई दूर चलने के बाद उसको ये फल की प्राप्ति हुई, जहाँ पर फल की प्राप्ति हो जाती है। अपवर्गीय का मतलब जहाँ पर फल की प्राप्ति हो जाती है वहाँ तृतीय भक्ति कर्ण कारक होता है, और जहाँ पर फल की प्राप्ति नहीं होती है वहाँ पर द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए सह द्वादशवी दिनी निरोग जाता है, वह 12 दिनों के बाद निरोग हो जाता है, मतलब स्वस्थ हो जाता है 12 दिनों के बाद। कालवाचक है, कालवाचक इतने 12 दिन होने के बाद वह स्वस्थ हुआ, मतलब फल की प्राप्ति हो गई कि वह स्वस्थ हो गया है, तब यहाँ पर तृतीय भक्ति द्वादशवी और दिनी, यहाँ पर दोनों में कितने दिन होते हैं और कितने मार्ग होते हैं वहाँ पे कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय व्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए 12 दिनों में निरोग हो गया, स्वस्थ हो गया, तो ये जो 12 दिन हैं इनमें तृतीय व्यक्ति हो गई। इसी प्रकार से क्रोशियन अनुवाक है अधित है, और इस उदाहरण का मतलब है वह है कोश भर, मतलब एक कोश जिसे हम कहते हैं 3 किलोमीटर है ना, तो एक कोश जब उन्होंने पढ़ा चलते चलते तो उन्होंने अनुवाक सीख लिया, ठीक है, तो सीख लिया मतलब उनको फल की प्राप्ति हो गई, तो क्रॉस वर्ड पढ़कर उसने अनुवाक सीख लिया। तो दोस्तों जहाँ पर सीख लेते हैं तो क्रोशियन जो मार्गवाची शब्द होता है उसमें तृतीय भक्ति हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा डीपली यही प्रश्न पूछेंगे, इसी प्रकार से उठा सकते हैं, आपको 2-4 उदाहरण अपनी बुक में से और देखने। तो यहाँ पर देखिए क्रोशम अधित है न आयत है, न आयत का मतलब होता है उसको कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं सीखा। क्रोशम अधित है, क्रोश पर चलते हुए पढ़ा लेकिन कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं सीखा, तो यहाँ पे क्रोशम जो मार्गवाची शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ये था अपवर्गीय तृतीय। इसके बाद आप उदाहरण देख के और सभी किताबें जो भी आपके पास है उसमें उदाहरण है वहाँ से आप जरूर देखें। एक छोटा सा और है इथम्भूत लक्षणे, तो कर्ण कारक का क्या है इथम्भूत लक्षणे। दोस्तों इथम्भूत का लक्षण का मतलब क्या होता है, जिस किसी लक्षण से किसी व्यक्ति के विशेष लक्षण हैं और उस लक्षण से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है वहाँ हो जाता है, जिस लक्षण से पहचान होती है वहाँ पर कर्ण कारक या तृतीय व्यक्ति होती है। और जैसे हम किसी साधु को देखते हैं जटाओं वाला है, उन्हें इस प्रकार से गेरुआ वस्त्र पहने रखे हैं, उस जटाओं को देखते हुए हमें लग रहा है कि यह कोई साधु है, कोई तपस्वी है, तो ये जो जटाएँ हैं उसका लक्षण है, उस जटाओं में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। जैसे देखते हैं जटा भी तापसे, उदाहरण क्या है, यही पूछा जाता है उदाहरण बार बार, जटा भी तापसह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जटाएं हैं इनसे वो तपस्वी मालूम पड़ता है, ये जो व्यक्ति है इस जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, इसलिए इस जटाओं में क्या हो गई, तृतीय व्यक्ति हो गई। सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते,
सा कुंडलाभ्याम, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का द्विवचन कुंडलाभ्याम, तृतीय विभक्ति द्विवचन है तो यहाँ पे द्विवचन, क्योंकि कुंडल कौन है, दो कर्णों में है तो द्विवचन। सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयति, वह कुंडलों से कोई तपस्विनी मालूम पड़ती है, प्रतीत होती है, तो जहाँ पर कुंडलों से प्रतीत हो रही है तो कुंडलों में तृतीय विभक्ति और कुंडलाभ्याम हो जाएगा तृतीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में कुछ छोटे छोटे तीन चार शब्द हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, नाना वीना आदि अलम, इस प्रकार के तीन चार शब्द हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं, नाना वीना और पृथक। नाना का मतलब हो गया अनेक, वीना का मतलब के बिना, और पृथक का मतलब से अलग। ठीक है, ये तीनों शब्द किसी वाक्य में आ जाए, इससे संबंधित जो शब्द होता है उसमें द्वितीय भी हो सकती है, तृतीय भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है विभक्ति। कर्म कारक, करण कारक और अपादान तीनों हो सकती है, विकल्प से तीनों हो सकती है, इसलिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न, क्योंकि आपको ऑप्शन में तीनों ऑप्शन मिलेंगे और चौथा ऑप्शन मिलेगा उपरोक्त सभी सर्वत है मतलब, तो वहाँ पर आपको सभी करना है। तो दोस्तों कैसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा भी था इस विना के योग में अंतरेण अंतरा अंतरेण से, ठीक है, तो वहाँ पर अंतरेण का, जहाँ पर अंतरेण हो वहाँ पर तो हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन वीना नाना और पृथक आ जाता है वहां पर दूसरी तीसरी और पंचमी होती है, जैसे जलम जलेन, जल की द्वितीय में जलम, तृतीय में जलेन और पंचमी जलात। ठीक है, अब इसके आगे ये तीनों शब्द हो सकते हैं, इसके आगे कौन कौन से, नाना वीना और पृथक तीनों। ठीक है, नाना वीना और पृथक, जीवनम संभवम नास्ति, जलम जलेन जलात, नाना वीना पृथक, जीवनम संभवम नास्ति, ये तीनों मैंने साथ लिखे हैं, इसी भी आ सकता है जलम वीना जीवनम संभवम नास्ति, जलेन नाना जीवनम संभवम नास्ति, जलात वीना जीवनम संभवम नास्ति, तो मतलब जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई सा भी आ जाए, तीनों में से इन तीनों में से कोई सा भी शब्द आ जाए और आए तो इसमें द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दोस्तों जहाँ पर एक विशेष शब्द और है अलम, क्या है अलम, जहाँ पर अलम का अर्थ है, किसी वाक्य में अलम का अर्थ निषेध रूप में लिया जाता है, अलम का अर्थ निषेध रूप में लिया जाता है, रोकने के अर्थ में लिया जाता है, अलम का एक अर्थ होता है निश्चित रूप से वैसे भी होता है, लेकिन जहाँ पर निषेध रोकने का काम मना करने का काम होता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे होता है अलम विवादेन, अलम विवादेन, तो विवाद मत करो ऐसा बोल रहा है, तो जहाँ पर जिसके लिए मना किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो ये था हमारा करण कारक दोस्तों, यहीं से ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, जितना मैंने लेवल बताया है वहीं से संभव प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, हमारी सभी सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहेगी। और दोस्तों जो भी आपके प्रश्न हो, रीट से संबंधित आपके जो भी कन्फ्यूज हो वो आप प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वैसे आपको कोई कन्फ्यूज होनी नहीं चाहिए रीट तक, और आप तैयारी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, जितना समय रीट की तैयारी में दे सकते हैं वो दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी जितने भी काम हैं उनको बंद कर दीजिए, केवल रीट की तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब मैं कल या परसों एक विशेष वीडियो लेके आने वाला हूँ, रीट जो मनोविज्ञान हिंदी संस्कृत अंग्रेजी लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड जीके साइंस में जितने भी हैं उनके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें, किस प्रकार से हमारी तैयारी हो, कितना लेवल हो, इस प्रकार से एक वीडियो और लेकर आना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से कमेंट भी आ चुके हैं, इसलिए कल परसों शायद आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।